बिल्कुल दे सकते हैं। और कई बार ये प्रश्न हमारे पास आता भी है और आप भी आज पूछ रही हैं कि गर्भ में बच्चे को संस्कार कैसे दें। देखिए होता क्या है कि आत्मा प्रेजेंट में 5 तरह के संस्कार कैरी करती है। हमने पहले भी रिपीट किया था, फिर से आज हम रिपीट करते हैं। पहला संस्कार होता है ओरिजिनल यानी प्योरिटी वाला संस्कार। दूसरा होता है प्रीवियस बर्थ वाला संस्कार, ठीक है, जो भी आदतें, जैसे मानो किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो बचपन से ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगता है, फुटबॉल खेलने लगता है, उनके घर में कोई नहीं खेलता, उसने किसी को देखा भी नहीं है लेकिन अच्छा खेलता है, तो उसका प्रीवियस बर्थ का संस्कार, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, उसका प्रीवियस बर्थ का वो संस्कार होता है। हमारा तीसरा संस्कार है माँ के गर्भ वाला संस्कार, यानी जब बच्चा यानी आत्मा जब माँ के गर्भ में होती है तो उस वक्त माँ क्या देखती है, सुनती है, पढ़ती है और किस माहौल में रहती है, उसके साथ क्या होता है, वह दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करती है, वो सब उस आत्मा को कैच होता है अंदर। ध्यान रहे, जब तक आत्मा इस शरीर से पूरी तरह अटैच नहीं है उसकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जब कोई भी आत्मा माँ के गर्भ में होती है और शरीर से वो बिल्कुल अटैच नहीं होती है तो उसकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब कोई भी थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो उसकी एनर्जी उसके पास जाती है और वो उसके संस्कार के रूप में उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। तो अगर हम गर्भ संस्कार बच्चे को देना चाहते हैं तो विशेष ध्यान दें कि हम बहुत अच्छा देखें, बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा सुने। अगर इस चीज़ पर हम विशेष ध्यान देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। अब एक माता आई थी हमारे पास, वो गर्भ से थे जब, तो वो हमारे साथ बैठे थे, थोड़ी देर उन्होंने बातें की थी और यही कहा था कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से अच्छी अच्छी बातें सिखा सकती हूँ। तो उन्होंने तब राजयोग सीखा था और राजयोग सीखने के बाद वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सारे किए थे, जैसे कि एक विशेष एक्सपेरिमेंट था, वो देखती थी कि परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता है, जो गर्भ में है वो उसके भी पिता है, मुझ आत्मा के भी पिता हैं, मेरे सर के ऊपर हैं, उनकी डिवाइन लाइट मुझ में प्रवेश कर रही है। यहाँ वो देखती थी कि गोल्डन सुनहरी किरणें यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं और प्रवेश करके धीरे धीरे मेरे गर्भ में समा रही हैं और उस बच्चे में, उस आत्मा में जा रही हैं। फिर विजुअलाइज करती थी इस तरीके से कि ये बच्चा बहुत शांत है, बहुत प्रेमयी है, बहुत मीठा है, बहुत स्वस्थ है, वो इस तरह से विजुअलाइज करते थे। वो देखते थे कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे से इसका जन्म हो रहा है, बहुत स्वस्थ है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हो रही है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और उसके बाद वो बच्चा जब हमने मिलाया था उन्होंने, तो वाकई वो बच्चा बहुत प्यारा है, उसके संस्कार वाकई बहुत प्यारे हैं। तो ये बात हमने विशेष ध्यान देनी है कि हर एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में संस्कार दे सकती है और इस तरह से दे सकती है, बड़ी आसानी से दे सकती है। बट इसमें थोड़ा सा टेंशन ये रखना है कि इस दौरान माँ को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जब माँ अपने ऊपर काम करती है तो बच्चे को संस्कार जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेने वाला है, कोई माँ चाहती है कि उन्हें थोड़े डिवाइन, थोड़े शांति वाले संस्कार दिए जाएँ, तो सभी मिलकर घर में राजयोग सीख सकते हैं और ये प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है और इसके परिणाम 100% बहुत ही अच्छे होते हैं।